हेलो एवरीवन, तो हम स्टार्ट करते हैं एक टॉपिक. आई विल ट्राई टू फिनिश दिस टॉपिक. जितना हमने क्लासरूम में किया है उसकी उतना ही हम यहाँ पर करेंगे. एंड देन इवेंचुअली मैं दूसरे वीडियो डाल दूंगा जिसमें सारे के सारे आपका जो पुराना आपका छूट चुका है उसको आप कवर अप कर लोगे. तो विल स्टार्ट विद द टॉपिक एवरेजेस. एवरेजेस is a topic which is a very simple topic, है ना. एक simple topic है, बहुत difficult नहीं है. और formula इसमें जो हम use करते हैं वो single formula है. मैंने इस lecture को divide किया है तीन parts में, जिसमें पहले part में हम fundamental concepts पढ़ेंगे, दूसरे part में questions और discussion करेंगे ताकि आपको समझ में आ सके किस तरह से question को approach करना है, और चौथे पार्ट तीसरे पार्ट में हम एडवांस कॉन्सेप्ट्स देखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. पहला जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो है एवरेज का फॉर्मूला. तो एवरेज का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है. एवरेज इज इक्वल टू द सम ऑफ एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो सम ऑफ एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये आपको वैसे भी पता ही था. इसी को हम कहते हैं मीन भी. So we call this mean also, और mean को लिखने का तरीका होगा sigma xi, okay? और ये i का variation हम यहाँ लिखते हैं. i जो है वो 1 से लेके n तक वेरी करता है, डिवाइड कर देते हैं इस पूरे को n से, है ना. इसको ही mean भी कहते हैं. स्टैटिस्टिक्स में हम पढ़ते हैं median और mode, है ना. तो वो हम अगर स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे. यहाँ पर आपको मीडियन और मोड पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मीन और एवरेज अगर समझ में आता है तो इससे काम चल जाएगा. तो हमारा जो पहला फॉर्मूला है वो तो ये था एवरेज का, और जो दूसरा हम इसी फॉर्मूले को वेरी करके हम दूसरा फॉर्मूला बनाते हैं. दूसरा है कि हमारा सम कितना होगा. तो सम ऑफ एलिमेंट्स, है ना, सम ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाइड विद द नंबर. सो एवरेज मल्टीप्लाइड विद द नंबर, दिस इज अवर सेकेंड फॉर्मूला. तो ये दो ही फॉर्मूला होंगे जो हम इस्तेमाल करेंगे हर क्वेश्चन में, है ना. एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे निकालना है 1 से लेकर के 25 जितने नंबर्स होते हैं इनका एवरेज अगर मुझे निकालना है ना, तो कैसे निकालेंगे 1 से लेकर 25 तक का एवरेज. 1 प्लस 2 प्लस 3, इसको हम करेंगे 25 तक, ये सम हो जाएगा. तो हमारा जो सम होगा वो तो ये हो जाएगा, और n की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 25. n की वैल्यू 25. सम करने का तरीका क्या होगा. सम करने का तरीका 1 से लेकर के n तक के सम करने का तरीका होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2. तो अभी हम देखेंगे कि कहां से फॉर्मूला ओरिजिनेट हुआ है और हम इसको कैसे बाईपास कर सकते हैं इस फॉर्मूले को, ताकि हम डायरेक्टली सम निकाल सके या डायरेक्टली एवरेज निकाल सके. तो यहां पर अगर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं ना, फॉर नाउ इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 25. से 25 इंटू 25 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन, which is 25, और ये 2 यहां पर आ जाएगा 2. इस 25 से ये 25 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 26/2 which is equal to 13, है ना. तो हमारा एवरेज जो है वो 13 आ जाएगा, राइट. वैसे भी अगर हम देखें तो 1 से लेके 25 तक की संख्याएं हम ले रहे हैं, तो इनके बीच की वैल्यू क्या होगी. 1 से लेके 25 तक के बीच की वैल्यू ये 13 ही निकल के आएगी, 13. तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन. 1 से लेके 25 तक का हमें निकालना था सम, है ना. तो अब देखिए, अगर हम 1 से 25 तक का सम निकाल लेते हैं, इसके बाद हमें क्या करना है. क्वेश्चन नंबर 2. अब यही अगर मैं आपसे कहूं 2, 4, 6, 8, और ये बढ़ते 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 जा रहा है, लेट अस से 200 तक, है ना. तो अब हमें यहां पर फिर से इनका सम निकालना पड़ेगा.
ऐसे ही अगर मैं कोई और क्वेश्चन लेता, इफ आई टेक अनदर क्वेश्चन, है ना, तो उस दूसरे क्वेश्चन में भी मुझे क्या करना पड़ता, मुझे फिर से सम करना पड़ता. व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ इज हम देख लेते हैं कि किसी भी एपी में, एपी का अर्थ आपको पता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने के लिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है अगर मैं किसी नंबर को 3 से शुरू करूं, उसमें 7 जोड़ता जाऊं, तो 3 में मैंने 7 जोड़ा तो ये नंबर हो जाएगा 10. दोनों के बीच का डिफरेंस है 7. अब इसमें फिर से 7 जोड़ दूंगा तो नंबर हो जाएगा 17, है ना. इसका अगला नंबर हो जाएगा 24. क्यों? क्योंकि यहाँ फिर से 7 जोड़ दिए. और ऐसे करके मेरी सीरीज बढ़ती जा रही है. तो ये हो जाता है एक एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इस तरीके से बढ़ती जाती है. अब अगर मुझे निकालना था एवरेज इन एन एपी, है ना, एवरेज मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करना है किसी भी एपी में. जैसे कि अभी हमने पिछली एपी ली थी, तो सबसे पहले एपी के कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं एवरेज निकालने से पहले. एपी में जो फर्स्ट टर्म होता है, ये इसे हम कहते हैं ए. दिस इज द फर्स्ट टर्म. द कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड एज डी. कॉमन डिफरेंस डी होता है. फर्स्ट टर्म जो है हमारा वो ए होता है. nth टर्म निकालने के लिए, nth टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट टर्म में जोड़ देते हैं n माइनस वन मल्टीप्लाइड विथ डी. क्योंकि हम n माइनस वन मल्टीप्लाइड विथ डी जोड़ रहे हैं. क्यों? क्योंकि देखिए तीसरा टर्म निकालने के लिए हमने क्या किया था, 17 जो होता है वो होता है कैसे बना था, 3 में जोड़ दिया था हमने 7 को. कितनी बार? 7 को 2 बार. और ये हमारा बन रहा है टर्म नंबर 3, है ना. टर्म नंबर 3 बनाने के लिए हम 3 में, यानी कि फर्स्ट टर्म में 7 को 2 बार जोड़ते हैं. वैसे ही टर्म नंबर n बनाने के लिए, हम फर्स्ट टर्म में d को n माइनस 1 बार जोड़ देंगे, है ना. तो ये हमारा nth टर्म बन जाता है एपी का, राइट.